हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी सर्कल कश्मीर। मैं हूं मुदस्सिर आर्यन और आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। जेके एसएसबी का जो सिलेबस है उसके अंदर जो बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं ऑन साइंस, उनमें सबसे पहले सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। फ्रेंड्स, जो आप अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं, जिनका मास हो, जिनका वजन हो, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, जो जगह लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं मैटर। और जो मैटर है ये बना होता है एटम्स का। ये कहा था जॉन डाल्टन ने, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसके अकॉर्डिंग मैटर बना होता है एटम्स का। और मैटर एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जो सारी प्रॉपर्टीज रिटेन करता है और वह एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। एटम खुद, बाद में देखा गया कि एटम खुद छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है, जिन्हें हम कहते हैं प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। टॉपिक पे वापस आते हैं, जो एटम्स होते हैं वो मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स की होती है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इनके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो मॉलिक्यूल्स मिलकर एक सब्सटेंस को बनाएंगे। जो उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज होंगी वो उसके मॉलिक्यूल की भी होंगी। यहाँ मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है, जिन्हें हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहते हैं। नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के 5 स्टेट्स हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। इन्हें हम स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं। एंड दीज स्टेट्स ऑफ मैटर आर बिकॉज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर। मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर अरेंजमेंट कैसी है, उनकी पैकेजिंग कैसी है, उसकी वजह से मैटर की बहुत सारी जो शक्लें होती हैं जिन्हें हम स्टेट्स कहते हैं, लाइक सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, ये अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स मैटर के अंदर कैसे हैं उसकी वजह से आती हैं, जो हम आज डिस्कस करेंगे सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। क्योंकि ये जेके एसएसबी के अंदर जो सिलेबस है उसके अंदर हमें यही 3 चीज़ें डिस्कस करनी है इस लेक्चर में। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड्स, आप कोई भी सॉलिड ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, स्टून या चेयर ले लीजिए, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है जो हमने डिस्कस किया। बट जो सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं टाइटली पैक्ड टुगेदर। वो उनकी जो पैकेजिंग होती है उनके पार्टिकल्स की वो बहुत टाइट होती है। दैट मीन्स इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। वो वाइब्रेट कर सकते हैं अगेंस्ट वन अनदर, बट वो मूव नहीं कर सकते फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं कर सकते। एंड सॉलिड्स में होती हैं डेफिनेट शेप। आप पेंसिल देख लीजिए, आप चेयर देख लीजिए, आप स्टोन देख लीजिए, इनके अंदर एक डेफिनेट शेप होती है और एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। कोई भी सॉलिड आप ले लीजिए उसके अंदर डेफिनेट शेप होगी और डेफिनेट वॉल्यूम होगा। नाउ लिक्विड्स, लिक्विड्स जो होते हैं इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं क्लोज टुगेदर, और इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में वो वीक होता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। एंड इनके जो पार्टिकल्स होते हैं दे वाइब्रेट पास्ट वन अनदर, दैट मीन्स दे शो लिटिल मूवमेंट। आपने देखा होगा कि एक लिक्विड जो है वो फ्लो करता है, लिक्विड्स जो हैं वो फ्लो करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है। दैट्स वाई दे आर एबल टू मूव, दैट्स वाई लिक्विड्स जो हैं वो फ्लो करते हैं।
सॉलिड्स में ही प्रॉपर्टीज नहीं है, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता। एंड इसकी वजह से जो लिक्विड्स होते हैं इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर उतना अट्रैक्शन नहीं है, इतना फोर्स नहीं है कि वो उनको एक डेफिनेट शेप दे। तो ये जिस कंटेनर में आप लिक्विड को डालोगे, चाहे बोतल में डालो चाहे गिलास में डालो, दे विल टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर कैप्ट। बट लिक्विड जो है इनके अंदर डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड की एग्जांपल है वाटर है, मिल्क है। नाउ गैसेस, जो गैस है इसके अंदर जो पार्टिकल्स होता है वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, वो दूर दूर होते हैं, उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। दैट मीन्स जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, ना तो उनके अंदर डेफिनेट शेप होता है ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है। आप एक कंटेनर ले लीजिए और एक बड़ा कंटेनर ले लीजिए, दो कंटेनर्स लीजिए, एक छोटा और एक बड़ा, और इनके अंदर गैस आप डालिए, वही गैस आप इस बड़े वाले कंटेनर में डालो, तो आप देखोगे कि दे विल फिल द एंटायर स्पेस, चाहे आप छोटे कंटेनर में डालो चाहे आप बड़े कंटेनर में डालो। सो इनका अंदर जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट नहीं होता है, और ना इनके अंदर डेफिनेट शेप होती है, पूरे कंटेनर को फिल करेंगे चाहे कंटेनर छोटा हो या बड़ा हो। नाउ इंटर चेंज ऑफ स्टेट्स, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं टेम्परेचर चेंज की वजह से। आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे, एक स्टेट दूसरे स्टेट में जाएगी। लाइक जो सॉलिड है, जैसे कि आपने देखा होगा अगर आइस है या बटर है, आप उसे हीट करते हो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। लिक्विड को अगर हीट देंगे तो वो गैस में चेंज होगा, प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन। और अगर उस लिक्विड को हम कम हीट देंगे तो उसे हम कहेंगे बॉइलिंग। गैस को टेम्परेचर अगर डिक्रीज किया जाए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन। और अगर लिक्विड को टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, जैसे कि आपने देखा होगा कि वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट होता है, फ्रीज़र में, जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर होता है उसके अंदर हम पानी रखते हैं तो वो आइस में चेंज होता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द टेम्परेचर, लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग। एक और प्रोसेस है जो अक्सर जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, दैट इज सबलिमेशन। सबलिमेशन ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक सॉलिड जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है वेपर में, गैस में। यानी सॉलिड जो है, अगर सॉलिड जो है उसको हीट करेंगे तो वो तो लिक्विड में चेंज होता है, बट अगर सॉलिड लिक्विड के बजाय डायरेक्टली चेंज होगा वेपर में, गैस में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सबलिमेशन। इसकी एग्जांपल है हमारे पास सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं ड्राई आइस, या अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये ऐसे सॉलिड्स हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से वेपर फेज में कन्वर्ट होते हैं विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।